Hey guys, assalamu alaikum everyone. So welcome back to my channel. My name is Aman, but you can call me Am. And what are you waiting for, guys? Subscribe my channel. I feel really clear if you take a moment and subscribe my channel. Below niche ek icon aa raha hoga red color ka subscribe ka button, usko sirf aapko press karna aur kuch bhi nahi karna. So guys, agar aap mere daily vlogs dekh rahe hain to first of all sorry for yesterday. Kal maine vlog nahi banaya. आई डोंट नो बट इस रमज़ान मेरी तबीयत काफ़ी अप एंड डाउन रह रही है, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं मतलब लेकिन हो नहीं पा रहा. अभी सहरी का टाइम हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन सहरी के टाइम होने से पहले आज मैं सोच रही हूँ कि मैं घर में दही जमाऊँ. नॉट सिंपल दही, इस जस्ट के खजूर वाली दही, क्योंकि मेरी आदत है सहरी में दही खाने की बहुत ज़्यादा. मैं योगर्ट बहुत ज़्यादा खाती हूँ गाइस, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अलग तरीके की दही को जमाऊं घर में, जो मुझे सहरी में खाना अच्छा भी लगे. और मतलब होता है ना, दही से तो वैसे भी प्यास नहीं लगती, सो दही तो होनी ही चाहिए, सहरी में मस्ट आइटम होता है ये. सो आज हम अलग तरह से खजूर वाली दही घर में जमा रहे हैं. सो वो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे जमा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब चलते हैं किचन में. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है खजूर. आई मीन टू से मैंने खजूर की गुठलियाँ निकाल दी थी, और उसके बाद मैंने खजूर को ब्लेंडर में डाल के उसमें थोड़ा सा दूध डाला है. दूध मैंने कितना डाला है उनको बता देती हूँ. ये मेरे पास कुपी है, ये मैंने दो कुपियाँ दूध डाली थी, और उसमें मैंने खजूर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया. ये देखें आप, ये क्रीमी टेक्स्चर आ गया इसका, ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है. सो अभी हम देखते हैं सेकेंड स्टेप हमारा क्या है. सो गाइज, दूसरा स्टेप है इसका दूध. मैंने दूध लिए हैं ये 4 कुपी एंड हाफ, ज़्यादा मैंने दूध नहीं लिया, मैं थोड़ी सी ही दही जमा रही हूँ गाइज. सो ये दूध है, इसको मैं अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है, और बॉयल करके अच्छे अच्छे से मैं इसको हिला रही हूँ, ताकि इसका जो क्रीमी टेक्स्चर है ना ऊपर से, वो एक तरह से आ जाए, झाग बन गई है इसमें और एक क्रीमी टेक्स्चर आ जाए. और उसके बाद इस दूध को हम रखेंगे ठंडा होने के लिए. ठंडा इतना नहीं करना, हमें सिर्फ नीम गरम ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं. थर्ड स्टेप है इसका योगर्ट. दही, दही मैंने मलमल के कपड़े में वो मलमल के, काफी लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, मलमल क्या कर रहे हैं यार तू? इसको मैंने रख दिया था, इसको मैक्सिमम आधा घंटे ही रखा है मैंने, और देखे कितना सारा इसने पानी ड्रॉप किया है. अभी मैं इसको अच्छे से हाथों से निचोड़ कर उसके बाद अलग बाउल में निकालूंगी, और देन मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी. ये मीठी दही बना रही है, मुझे पता नहीं था, मैं इतना खुश हो गया, मिला ये कुछ खिलाने लिए नया. ये इतना पानी इसने ड्रॉप किया है, इस पानी को मैं रख दूंगी, ये किसी और के काम आ जाएगा, लाइक मतलब किसी सालन वालन में काम आ जाएगा. सो गाइस, ये दही है जो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में हो गई है, देखने आप इस तरीके का टेक्सचर है इसका. तो मैंने अच्छे से हिला दिया है, और ये कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर आया है. ये दही तो मैं फिर भी कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं दही कम ही जमा रही हूँ. आप अगर चाहें तो दही जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा. गाइस, ये दूध है, दूध को आप अच्छे से हाथ पे लगाकर चेक कर लें, ताकि गर्म होना चाहिए, लाइक मतलब नीम गर्म होना चाहिए, कि आपका हाथ जले भी नहीं और गर्माइश भी फील हो. ये हमारी दही है, दही बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर की हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा ही. अब इसमें मैं दूध थोड़ा सा दूध दही में डालूंगी, ज़्यादा मैं पूरी दही दूध में नहीं डालने वाली हूँ गाइस, कि ऐसा ना हो कि दही के प्रेशर से मेरी दही फट जाए, मतलब दूध फट जाए मेरा, तो ऐसा काम मैं नहीं करूँगी गाइस. अब इसको मैं अच्छे से करूँगी दूध में मिक्स. 2000 years later. गाइस, इसका टेक्सचर आप चेक करें, मैंने दूध में ये डाल के थोड़ा सा इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, अब कम्प्लीटली इसका टेक्सचर क्रीमी वाला हो रहा है. गाइस, ये जो हमने ब्लेंड करके रखा था, ये हम दूध में मिक्स कर रहे हैं. अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी. सी, अभी हम डालेंगे ये वाला टेक्सचर इसमें, कम्प्लीटली डाल देते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो टेक्सचर आप चेक करें, बिल्कुल इसका क्रीमी टेक्सचर हो रहा है. बहुत मिल्कशेक भी देखा जाए तो मिल्कशेक भी है, पी भी सकते हैं ना. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो. अगर आप चेक करें तो ये साइड में, थोड़ा चेक कराना ब्रो. ये ले भाई, ये अगर आप चेक करें तो साइड में अभी भी देखो जम रहा है. टेस्ट इसका भी से अच्छे, मेरे को तो इसी ये देखें गाइस, ये देखें गाइस, ये देखें, ये जम रहा है. बस जल्दी जमा दे गाइस, करके दिखा रही है, बस जल्दी डाल. तो गाइस,
गाइस अभी आप नॉर्मल किसी बर्तन में भी जमा सकते हैं। मैं जमाने लगी हूँ इस वाली हांडी में, ये ज़्यादातर हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती हैं, सो मेरे पास मैं जमा करके रख देती हूँ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, मैं इसमें दही डालने लगी हूँ गाइस। इस हांडी में कम्प्लीट मेरी दही जम जाएगी और कम्प्लीट दही आ भी गई है। अब इसमें भी जो है सारा का सारा मैं इसको रिमूव करके इसमें, मैंने इसको कम्प्लीटली एलुमिनियम फॉइल से पैक कर लिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक है तो आप प्लास्टिक से भी पैक कर सकते हो। इसको मैं कम्प्लीट किचन में ही रख रही हूँ, गर्माइश में किचन का फ़ैन भी आज मैं नहीं चलाने वाली हूँ। सो इसको मैक्सिमम हम 5-6-7 घंटे रखेंगे, उसके बाद हम फ्रीज़र में 1-2 घंटे रखेंगे एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट क्या है। तो गाइस मैं सो गई थी, मेरे हुलिये को प्लीज़ जज मत कीजिएगा, मैं सो गई थी और मैं उठी हूँ और उसके बाद अभी मैंने पराठे वराठे सब रेडी कर लिए, किचन भी पूरा मेस्ड अप हो रहा है। वेल अभी मैं बनाने लगी हूँ अंडा, मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं ढाबा स्टाइल अंडा बना। तो गाइस आज मैं अंडा बना रही हूँ ढाबा स्टाइल। इसमें मैंने प्याज डाला है, टमाटर डाली है और थोड़ा सा ऑयल है। टमाटर और प्याज को आप देख लें कितना छोटा छोटा बारीक काटा है मैंने और साथ में ये मेरी चाय बन रही है। तो गाइस इसमें मसाले मैंने कौन से डाले वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने घर के नॉर्मल मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और अगर आपके पास पपरिका पाउडर है कश्मीरी लाल मिर्च तो थोड़ा सा आप वो भी ऐड कर लें। और साथ साथ मैंने इसमें सफ़ेद जीरा पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँ, आपको लगे कि जल रहा है तो पानी या ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जले तो आप पानी डाल दें, मैंने इसमें भी मिर्चें डाली हैं और थोड़ा धनिया डाला है, छोटा सा लीजिए। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 अंडा। टूट गई इसकी गर्दी, टूट गई है पर खैर, इस अंडे को हम करते हैं अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, हाफ फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा पक चुका है, अब इसको हम इसको वापस यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और इसके अंदर ये अंडा डाल देंगे। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। बना हुआ मक्खन है ये भी, हमने मैंने अलग फ्राई पैन में डाला और इसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डाल रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये मक्खन सारा मेल्ट हो गया, अब इसको हम डालेंगे इसमें, इसको यहाँ ले आते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी तैयार है जाज, अब हम इसको करेंगे गाइस डिश आउट। सो गाइस ये है हमारे पराठे और ये मैंने बनाया आज अंडा। तो गाइज़ अब इफ्तारी इज़ रेडी और इफ्तारी का टाइम हो गया है, बस 5 मिनट्स रिमेनिंग है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि आज मैंने कोई काम नहीं किया, मैं बस नहा धो के फ्रेश होकर अभी आई हूँ। ये पकोड़े बने हैं, ये चिप्स बने हैं, ये आज अमरूद भी है। मैं काटती हूँ ना तो उसके बीच निकालती हूँ, नुमान ने नहीं निकाली, नुमान जल्दी जल्दी में काटा है पागल ने। आज हमारे घर में 3 तरफ के शरबत बने, एक तो नींबू पानी है, नींबू पानी मेरी अब्रो का, और ये रूबजा है और ये टैंग है। टैंग बहुत कम लोग पीते हैं इसलिए हम थोड़ा सा बनाते हैं। ये कचौरियाँ हैं, कौन सा पसंद है, और ये चिकन चंक्स है। गाइस आपको इन तीनों में कौन सा शरबत पसंद है कमेंट्स में लाजमी। वैक्यूम क्लीनर अम्मी ने बहुत गलत जगह पे रखा है। मुझे आज मैक्रोनी भी बनाया गाइस जो मैंने नहीं बनाया, घर वालों ने बनाया। सो नमन आज कैसा लग रहा है? वैसे भी आज कौन सा मैंने कोई इफ्तारी बनाया, आज मैंने इन सारी चीजों में से मैंने आज कोई काम नहीं किया गाइस। पकौड़े मम्मी ने, मैक्रोनी, तरबूज मैंने काटा, अमरूद मैंने काटे, अदरक वाला मैंने भी किए ना। अमरूद तुमने काटे? अच्छा कुछ लिखा है, गलत पड़ी है, किसने काटे बता दे यार। मैंने खुद काटे, तुमने सिर्फ वो एक ही चीज काटी।